हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी एलोकेशन फॉर सैटेलाइट की, कि सैटेलाइट्स में फ्रीक्वेंसी का एलोकेशन कैसे किया जाता है। सो नाउ फर्स्ट वी राइट फ्रीक्वेंसी एलोकेशन फॉर सैटेलाइट। देखिए, इसमें क्या होता है कि एलोकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज टू सैटेलाइट सर्विसेज इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट्स की और प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज डन बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज ITU। ITU स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट। इसमें चूंकि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट्स और प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए ITU इसको टेक केयर करता है। टू इम्प्लीमेंट दिस फ्रिक्वेंसी प्लानिंग द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन। तो फ्रिक्वेंसी प्लानिंग के लिए वर्ल्ड को क्या किया गया है, तीन रीजन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसमें जो रीजन वन है, रीजन वन में कौन से कंट्रीज आते हैं, इसमें आपका यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया और मंगोलिया हो गया, ये आते हैं रीजन वन में। फिर रीजन टू की हम लोग बात करेंगे, तो रीजन टू में आपका आता है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड। इसमें आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंड ग्रीनलैंड। ठीक है, ये रीजन टू में आता है। और रीजन थ्री में जो कंट्रीज आते हैं, वो आपका एशिया हो गया। अब एशिया में उन रीजन को छोड़ के एक्सक्लूडिंग रीजन वन एरियाज, तो जो रीजन वन में कवर किए जा चुके हैं एक्सक्लूडिंग रीजन वन एरियाज, उनको छोड़ के एशिया का पूरा एरिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ वेस्ट पैसिफिक, साउथ वेस्ट पैसिफिक। तो इस तरह से कंप्लीट वर्ल्ड को तीन रीजन में डिवाइड किया गया है एज फार एज फ्रीक्वेंसी प्लानिंग और फ्रीक्वेंसी एलोकेशन ऑफ ए सैटेलाइट इज कंसर्न। अब इसमें क्या होता है कि विद इन दीज रीजन द फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर एलोकेटेड टू वेरियस सैटेलाइट सर्विसेज। अब हर एक रीजन में, जैसे रीजन वन के लिए, रीजन टू के लिए, रीजन थ्री के लिए, अलग अलग सैटेलाइट सर्विसेज में, सैटेलाइट जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड जो है एलोकेट किए गए हैं। अब इसमें कुछ सर्विसेज जैसे हैं आपका, हमने कहा कि फिक्स सेटेलाइट सर्विसेज, फिक्स्ड सेटेलाइट सर्विसेज। इसमें क्या आता है, फिक्स्ड सेटेलाइट सर्विसेज में दे प्रोवाइड लिंक्स फॉर एग्जिस्टिंग टेलीफोन नेटवर्क यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग टेलीविजन सिग्नल्स टू केबल कंपनीज। तो ये हो गया आपका एक, ये हो गया फिक्स सेटेलाइट सर्विसेज। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है आपका ब्रॉडकास्टिंग सेटेलाइट सर्विस। नेक्स्ट जो है आपका वो है ब्रॉडकास्टिंग सेटेलाइट सर्विस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दे प्रोवाइड डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट टू होम्स, जैसे लाइव क्रिकेट मैचेस वगैरह या लाइव कोई प्रोग्राम हो रहा है वर्ल्ड के किसी भी कोने में या किसी भी कॉर्नर में, किसी भी कंट्री में, वहाँ उस प्रोग्राम को आप लाइव अपने टीवी पे बैठ के देखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विसेज। थर्ड जो टाइप है वो है नेविगेशनल सैटेलाइट सर्विसेज। थर्ड इज नेविगेशनल सैटेलाइट सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि इट इंक्लूड्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो GSM को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो आपका नेविगेशन में आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है मेट्रोलॉजिकल।
मेट्रो, लॉजिकल, सैटेलाइट सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि दे आर ऑफन यूज टू परफॉर्म सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज। तो जो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज होते हैं, सैटेलाइट सर्विसेज, उसमें क्या आता है, उसमें जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी और एनी टाइप ऑफ मिसहैपनिंग, उस समय ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट सर्विसेज यूज की जाती हैं। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसीज है उसको कैसे एलोकेट किया जाता है सैटेलाइट्स को, या फ्रीक्वेंसी बैंड को कैसे डिजिग्नेट किया जाता है गीगाहर्ट्ज़ में, वो आप देखिए। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी बैंड डेजिग्नेशन अगर हम करेंगे, पहले हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड डेजिग्नेशन, और जो फ्रीक्वेंसी जो भी हम लिखेंगे वो सारी गीगाहर्ट्ज़ में है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले तो हो गया आपका VHF। VHF की जो रेंज होती है वो होती है 0.1 से लेकर और 0.3 GHz तक। उसके बाद UHF, UHF की रेंज होती है 0.3 से 1 तक, 0.3 से 1 GHz तक। उसके बाद L बैंड आता है, L बैंड फ्रीक्वेंसी का, ये होता है 1.0 से 2.0 GHz तक। फिर S बैंड आता है, एस बैंड होता है 2.0 से 4.0 GHz तक। उसके बाद सी बैंड, सी बैंड की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 4.0 से 8.0 GHz तक। उसके बाद एक्स बैंड, एक्स बैंड की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 8.0 से लेकर और 12.0 GHz तक। फिर उसके बाद कू बैंड, कू बैंड की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 12.0 से लेकर और 18.0 GHz तक। ठीक है, कू का मतलब क्या हुआ, कू का मतलब हुआ इज अंडर के बैंड, अंडर के बैंड। ठीक है, उसके बाद का बैंड आता है, के ए, इसकी रेंज होती है 18.0 से 18.0 से 27.0 तक। ये क्या होता है, का मतलब होता है इज अबव के बैंड, अबव के बैंड। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका वी बैंड। वी बैंड की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 40.0 से लेकर और 75.0 तक। फिर वी के बाद डब्ल्यू बैंड, डब्ल्यू बैंड की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 75 से और 110 GHz तक। फिर एमएम बैंड जो होता है, एमएम बैंड, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 110 से लेकर और 300 तक। और उसके बाद माइक्रोमीटर बैंड, ये होता है माइक्रोमीटर बैंड, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 300 से लेकर और 3000 GHz तक। तो इस तरह से डिफरेंस फ्रीक्वेंसी बैंड को डिजिग्नेट किया गया है। अब इसमें क्या होता है कि बेस्ड ऑन द सैटेलाइट सर्विस, मतलब कौन सी सैटेलाइट सर्विस जो अभी हमने डिस्कस की थी चार पांच तरह की, तो बेस्ड ऑन द सैटेलाइट सर्विस फ्रीक्वेंसी एलोकेशन डिसाइड किया जाता है। तो बेस्ड ऑन द सैटेलाइट सर्विस द फ्रीक्वेंसी एलोकेटेड टू द सैटेलाइट्स आर, अब फ्रीक्वेंसी बैंड डेजिग्नेशन जैसे VHF है, अब इस पर हम बताएं कि किस तरह से एलोकेट किया जाता है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे VHF बताया, तो जो VHF है आपका VHF, वो अभी हमने आपको बताया कि कितना, 0.01 से लेकर और 0.3 GHz तक। ये फ्रीक्वेंसी बैंड लोकेट किया जाता है मोबाइल एंड नेविगेशनल सैटेलाइट सर्विसेज के लिए, इसको अलॉट किया जाता है मोबाइल एंड नेविगेशनल
सैटेलाइट सर्विसेज के लिए, सेकंड हो गया आपका एल बैंड। एल बैंड होता है आपका 1.0 से 2.0 तक। ये भी एल बैंड भी मोबाइल एंड नेविगेशनल के लिए ही अलाउट किया जाता है, मोबाइल एंड नेविगेशनल सैटेलाइट सर्विसेज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सी बैंड। सी बैंड आपको मालूम है 4.0 से और 8.0 तक। तो जो सी बैंड है ये एलोकेट किया जाता है फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज के लिए। जैसे अभी हमने आपको बताया था फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज जो होती हैं उनके लिए सी बैंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिया जाता है, ठीक। उसके बाद कू बैंड जो होता है, कू बैंड होता है हमारा 12.0 से 18.0 GHz तक। तो जो कू बैंड है हमारा वो एलोकेट किया जाता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सर्विसेज के लिए, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सर्विसेज। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट सर्विसेज को डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड एलोकेट किए जाते हैं, और ये एलोकेशन सारा होता है ITU की तरफ से, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट की तरफ से। तो आई होप कि आपको ये फ्रिक्वेंसी एलोकेशन सैटेलाइट सर्विसेज के लिए ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।